भाई मैं देख सकता हूँ कि आप तबीयत भी है और आपकी नीयत भी बिल्कुल ठीक है, तो अच्छा मतलब आपने बिल्कुल सब करना है। हमारी खेत भी अंदर जो सांबा जो मेरे साथ मेरी जो सभी फेडरल की जो सतह के अहदेदार हैं इसमें हाजी मखलूक साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं फेडरल कैपिटल के, उनके साथ सी एस तारक अली हैं जो 54 के प्रेसिडेंट हैं, चौधरी रियासत साहब हैं ये यहाँ से 53 से ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा हमारे बड़े भाई हैं कैप्टन सियाज साहब हैं, ये भी आज हमारे साथ पुराना कमर की क्यादत भी हैं और हमारे वाजी साहब की क्यादत भी हम इंशाल्लाह आपको ज्वाइन कर रहे हैं सर, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस्लामाबाद में पार्टी के लिए और आपकी जो कैंपेन है उसको अच्छे तरीके से चलें। तो बस यही है कि हमारे जो लोग आए हैं उनका भी एक यही बात है, अपनी एक सियासी सीरत है अपने अपने इलाकों में, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप कुछ इसके बाद हमें टाइम दें ताकि प्रॉपर हमें जलसा वगैरह ऑर्गेनाइज करें, उसमें हमारे तमाम लोग जो है वो शुरू तैयार करें। और असद उमर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट थी, पहले भी मेरी इनके साथ मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारे सारे लोग जो इस पार्टी में मुख्तलिफ काम कर रहे थे तो उनकी ख्वाहिश है कि हम जब इस पार्टी में आए तब हम सियासत कर रहे हैं, तो कल हमारी इस पार्टी में क्या इज्जत होगी और क्या पोजीशन होगी वो उनसे मैंने सारी बात डिस्कस कर ली है, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उनकी कोशिशों से आज ये सारी मदद कर दी है, तो बहुत शुक्रिया सर इंशाल्लाह हम आपके साथ। तो असल में सियासत जब वो इबादत बन जाती है कि जब इंसानियत के लिए काम करते हैं तो आपको हम पूरा मौका देंगे। हमारा जो बलदियाती निज़ाम है वो है ही इसलिए ये जो आप कहते हैं देहाती इलाके डेवलप नहीं होते, होता क्या है कि सारा पैसा शहर में फंस हो जाता है और देहाती इलाकों के अंदर कोई भी कोई काम नहीं होता। आप इस्लामाबाद में क्या हालात हैं और इधर हालात में पानी के हालात, स्कूलों के हालात, डिस्पेंसरी अस्पताल, ये इसलिए है कि जो बलदियाती निज़ाम चला ही नहीं जाता, पहली दफा चला है पत्थर पानी से कभी पत्थर पानी एक से ज़्यादा पानी नहीं देते, एक बारी देते हैं उसके बाद आपको चेंज कर देते हैं। ये पहली दफा है कि इस पार्टी को जो लोगों ने टिकट्स के लिए अप्लाई किए सारी जमातों में सिर्फ दोगुने टिकट्स पीटीआई के ऊपर आए लोगों ने अप्लाई कर दिए, मतलब ये कि अगर वोट बैंक था तो कैंडिडेट्स आ रहे इसलिए, और वोट बैंक जो था बेहतरीन बलदियाती निज़ाम आए हमें इसको और मजीद हम बेहतर करेंगे। पहली दफा नीचे डायरेक्ट फंड्स के डेवलपमेंट फंड जो आते मेरे और एनजीओ का हाथ है नीचे गए हैं बलदियात के अंदर, और क्योंकि उनके पास एक प्यारा था ये फंड आए इसलिए पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। नीचे विलेज काउंसिल इलेक्टेड है हमारे गाँव की काउंसिल हैं जो कभी पाकिस्तान में हुए, गाँव में डायरेक्ट फंड गए हैं और उनके इलेक्टेड काउंसिल पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वहाँ एक चेंज आया, इसकी वजह से वो आज पूरा रिव्यू करें। ये जो मिनिस्टर बनाया गया और ये जो तारिक अली चौधरी को लोगों के लिए क्या कहना था वो इस वजह के लिए आया था, उसने जो बड़ा अच्छा किया अपने लिए बहुत बेहतरीन लोगों के लिए, और या तो आप लोगों के लिए कर सकते हैं उसके अपने लिए, हम आपको इंशाल्लाह पूरे इस पार्टी के अंदर मौका देंगे। आप अगर ये बाकी खिदमत करने आई है जो असल मकसद है पॉलिटिक्स का, इंशाल्लाह इस पार्टी में अगर आपको पूरा मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया।